अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदो? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान की सॉफ्ट इकॉनमी को इंटरनेशनली और नेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्टार से अपने जो कॉरपोरेट हेड्स हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो हीरोज़ हैं जिन्होंने डायनामिकली बहुत ज़्यादा काम अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया है, उनसे मिलवाते रहते हैं ताकि ये भी एक यानी कि पहलू आपके सामने आए कि हमारे अदारों में हो क्या रहा है। और पॉजिटिविटी के साथ आज मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है, उनके बहुत सारे तारुफ है। मुझे नहीं समझ आ रही पहले तारुफ कौन सा मैं उनका कराऊँ। वैसे तो उनका बिजनेस कम्युनिटी से तल्लक है, उनके पूरी फैमिली का, पूरे ख़ानदान का, और लेकिन वो है तो एक एंटरप्रेन्योर, लेकिन उसके बाद वो खुद इस गवर्नमेंट के इदारे से मुंसलिक है। ये क्या केमिस्ट्री है मुझे आज तक अभी तक समझ नहीं आई, मैं जानने की उनसे कोशिश करूँगा। अगर मैं उनकी फैमिली की बात करूँ तो पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी में उनकी फैमिली का बहुत एक आला मुकाम है, स्पेशली उनके वालिद की बहुत सारी खिदमात है जो अभी तक वो सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं कहूँगा एज ए ट्रेडर, एज ए बिजनेस कम्युनिटी के लीडर के तौर पर उनको अल्लाह ताला उनको हमारे ऊपर सलामत रखे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस एम मुनीर साहब की, जो किसी तारीफ के मुहताज नहीं है। और मैं उनके बेटे एस एम इमरान साहब के साथ मौजूद हूँ, जो कि आजकल एक वाइस चेयरमैन है एल डी ए के, लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी के, एक कमाऊ पुत्र अदारे के वाइस चेयरमैन भी है। लेकिन ये जॉब उनके लिए किस फिट है या मिसफिट, क्योंकि उनका बैकग्राउंड देखें हम तो एक बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन करते हैं, करते रहे हैं। टेक्सटाइल में भी उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रियल एस्टेट सेक्टर में भी और भी बहुत सारे सेक्टर्स में। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में एस एम इमरान साहब के साथ कि भी वो कहाँ से चले थे, कहाँ से उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, और कराची में पैदा होने के बाद कनाडा से होते हुए एंड वो लाहौर को आज कह रहे हैं कि वाकई दुनिया की तरह लाहौर लाहौर है, तो वो उसके पीछे भी उनकी क्या ऐसा वजह हुई है कि वो लाहौर रहने पर और लाहौरी बनने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, कोशिश करेंगे आज ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में एस एम इमरान साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेलकम टू माय शो। इमरान साहब, जैसे मैंने शो में तारुफ कराने की कोशिश की है कि आपके पीछे एक बहुत बड़ा नेम है एस एम मुनीर साहब भाईजान, ठीक है, जो हमारे भी बड़े हैं, आपके भी बड़े हैं, ठीक है। तो एस एम मुनीर साहब का बेटा होना तो फख्र की बात है ही है, और मुझे ज़्यादा फख्र मैं फील कर रहा हूँ कि उन्हीं का बेटा आज इस अदारे को यानी कि एज ए वाइस चेयरमैन आप इसमें खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है, ये कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ तक होते हुए, एंड जॉब और बिजनेस, ये आपकी कोई यानी कि इसमें थोड़ा सा तजाद मुझे लग रहा है पर्सनैलिटी वाइज की। बिजनेस के बारे में आपने पहले ही बता दिया, काफ़ी बिजनेस हमारा टेक्सटाइल का भी है, रिटेल का भी है, फार्म सेक्टर में भी जा रहे हैं, चिंगों पर हमारा जी, रियल स्टेट का भी है माशाल्लाह, काफ़ी एंटरटेनमेंट का भी है, मिक्स ऑफ बिजनेस हमारे चलते हैं। उसके बारे में आपने पहले बात की थी। पैदाइश मेरी कराची में हुई थी, ओरिजिनली हम लोग चिड़ियोटी शेख फैमिली से बिलोंग करते हैं, परवरिश मेरी वहाँ पढ़ाई मेरी वहाँ थी, उसके बाद पढ़ाई के लिए बाद कनाडा चला गया था, उसके बाद मैं दुबई आ गया, वहाँ से मैंने खत्म किया था आज में, उसके बाद पाकिस्तान आ गया, टेक्सटाइल ज्वाइन किया, पोल्ट्री फार्म हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ वो ज्वाइन किया, रिटेल किया, चिड़ियोट का रियल स्टेट किया, ये सारी चीज़ें कर कर आके चल रहा था। पी टी आई में इमरान खान साहब से मेरा तकरीबन पिछले 13-14 साल से ताल्लुक रहा है। I have always found him to be the real leader of Pakistan, or the leader that Pakistan needs. मैं इस बात को और आसान बोल देता हूँ। जिस वक्त पालता उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पावर में थे या कोई चीज़ थी,
ना मुझे कोई पावर की चाहती थी, मेरे को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, मुल्क ने और अल्लाह ताला की साफ ने मेरे पे जो कर्म की है मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करता। लेकिन ये मेरा ज़रूर मानना था कि इस मुल्क को सही ट्रैक पर चलाने के लिए, सही पटरी पर चलाने के लिए कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिस पर आपका भरोसा भी ये कर सके। तो जिस ज़माने में कोई भी नहीं करता था सोचता था, उस ज़माने से मैं इस बात को आइडियलाइज करता था कि खान साहब जैसा बंदा इस मुल्क को लीड करेगा तो मुल्क सही पटरी पर सही डायरेक्शन में चलेगा। बहुत से लोग एक बात कहते हैं, ये लिखा हुआ भी बहुत अहम जगहों में है, कि लीडर वैसे ही आते हैं जैसे आवाम होती है। लेकिन मेरा ये मानना ज़रूर है कि लीडर का काम होता है आवाम को आवाम बना देना। जी बिल्कुल, एक कौम बना, कौम बना देना, ठीक है ना। तो वो लीडर मुझे इमरान खान की शख्सियत नजर आती है, तो मैंने हमेशा उनको इस वजह से सपोर्ट किया और आज भी करता हूँ, दिलो जान से करता हूँ। इस रीज़न पे ताल्लुक रहा, सब कुछ था, बट मैंने कभी आज तक पोस्ट नहीं मांगी थी अलग से ट्रांसपोर्ट। हुकूमत पावर में आई, हमारे चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बलदार साहब हमेशा शफकत का हाथ रखते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें बड़े प्यार एहतराम से ये मौका दिया कि आप यहाँ पे आ गए हैं और मैं आपको नागरिक कर सकता साथ आया। और मेरे ख्याल में आना मेरा मेरे लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस साबित हुआ, गवर्नमेंट कैसे चलती है, लोग क्या काम करते हैं, किस तरह करते हैं, और बाकी पब्लिक सर्विस ड्यूटी कैसे हो सकती है इस हवाले से। तो उनकी मेहरबानी की, उन्होंने ये मौका दिया मुझे, प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी, उन्होंने मौका दिया मुझे, यहाँ पे मैं आने के बाद यहाँ पे इनिशियली जब आया मुझे ऐसा लगा कि एनडीए मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैसे ज़्यादा चलाऊंगा, वही मेरे लिए ज्यादा कोई इंडस्ट्रियल स्टेट में चला जाता, कंपनी शायद बेहतर चला जाता, कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता, बट यहाँ मैंने बोला क्या है। लेकिन सबसे मजे की बात, जब मैं यहाँ आपके आने से पहले इसका पूरा एक्ट पढ़ा था, तो इसके एक्ट में लिखा हुआ है कि एनडीए इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एनडीए को अगर आप सही मायनों में समझे तो ये कंपनी ही है जिसको अथॉरिटी की मैंडेट या पावर दी गई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये जी एनडीए जो है इसमें आप आके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरे लिए तो सानी होगी जब पता लगे एक सिक्योरिटी है इसकी, जैसे हमारे कारोबार में एक सिक्योरिटी होता है ना, कंपनी बंद हो रही होती है, तो सिक्योरिटी जो मैंने रिवाइव करना है तो मैं कंफर्टेबल हो गया, मैंने लिया ठीक, मुझे कारोबारी तरीके से इसको नजर रखनी है, इसकी मैनेजमेंट के फ्लॉस पकड़ने, इसकी चीजें ठीक करनी। मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते हैं हमेशा से, मैंने काम में आया तब भी वालिद साहब हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा कारोबार में चोरी चकारी करते हैं, एक बात पूछते थे। तो मैंने अब को बोला मैं पूछिए हमेशा ये कहते थे चोरी चकारी करते, काफी टाइम से आप सुन रहा होगा, तो कारोबार में तो 10 किस्म की चीजें हमारे मामला होते रहते हैं, बंदे हैं, मैनेजर्स, ये जी ये सिस्टम, ये ईआरपी लगे हुए, सब कुछ हुआ, तो कंट्रोल में होता है, चीजें आती है, ऑडिटर भी देख रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल में रहता है। तो वालिद साहब ने मुझे बात समझी, वालिद साहब ने मुझको ये समझाया कि पुराने जमाने में जब लोग सफर करते थे खेतों में भी तो मुश्किलें होता था ना, जिसमें पानी वगैरह देखे जाते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि रात को मुश्किलें में आप जितना भी पानी डाल लो अगर नीचे उसकी कोई मोरी होगी ना तो वो सुबह खाली में लेकर आऊंगा, तो हमारा काम है मोरियां बंद करना। Our job is to close the loopholes. LDA में मुझे उनकी ये नसीहत सबसे ज्यादा काम है। तो मेरी तो जिंदगी की वैसे तमन्ना है अपने वालिद साहब के पांव के नाखून के बराबर भी बन जाऊं, बाकी शख्सियत ही ऐसी शख्सियत है मेरी जिंदगी, बट उनकी तरबियत, उनकी बातें और साथ ही मेरे वालिदैन की ये तरबियत कि मुल्क से बड़ा कुछ नहीं, सबको बहुत कुछ दिया आपको, हमें पहचान दी है, मेरे वालिदैन दोनों ने हमेशा से बचपन से मुझे ये बताया कि इस मुल्क से बड़ा कुछ नहीं, इसके लिए तो हर चीज कुर्बान कर सकते हैं। इस नियत से जब यहाँ पे बैठे और अपनी नजर को खोलना शुरू किया तो नजर आया कि हाँ इधारे में बड़ी करप्शन की बात है, बड़े प्रॉब्लम है, बट बड़ी पिक्चर जब निकाली बाहर तो पता ये चला कि करप्शन को बंद करने के लिए किसी ने काम नहीं किया, करप्ट के पीछे सब भाग रहे, पहले करप्शन तो बंद करें जहां से हो रही है पहले, वो रास्ता बंद करें ताकि करप्ट पैदा ही ना हो सके। मैं कहता हूं कोई चाहे भी करप्शन करना तो ना कर सके, सिस्टम ऐसा है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तो ये होना चाहिए, जैसे तुर्की जाप तक कंट्रीज में किया था डॉक्टर ने, तो उन्होंने किया क्या है, इंसान तो बिक जाता है, अनफॉर्चुनेटली ग्रीडी कोई भी इंसान बिक जाता है, लेकिन उसके बिकने का रास्ता क्या आपने बंद किया। तो यहां पे बैठ के हमने एनडीए के सारे कानून पढ़ने शुरू किए, ओके, और एनडीए की अथॉरिटी का तो काम ही कानून साजी और एनडीए पे नजर रखना कि ये सही गलत कहां चल रहा है। तो सबसे ज्यादा मदद तो मुझे मिली उन लोगों से जो यहाँ पे मेरे पास कंप्लेनर्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे पता चला कि लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है,
यानी आप मिले उन लोगों से? मेरे सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स आती है, मैं उनको जानबूझ के खुद फॉलो करता हूँ। मेरे यहाँ पे पर्सनली लोग कंप्लेंट आती है, क्योंकि रियलिटी में मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, उनका मसला अगर आ दूंगा बड़ा कोई सियासी बात हो, एक्चुअल प्रॉब्लम्स आपको उससे मुझे ग्राउंड प्रॉब्लम पता चलता है कि आवाम की प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। मजे की बात यह है कि जब मैं एनडीए में आया तो मेरे को लोगों से जितनों से बात हुई, किसी ने मुझे ये नहीं बोला ये बड़ा सा फ्लाईओवर बना दे, बड़ी सी ब्रिज बना दे, मेट्रो बस एक और बना दे, ऑनलाइन ट्रेन बना दे, ये बात नहीं बोली हुई। उनकी बड़ी छोटी छोटी बातें थी उन्होंने बोली, मेरे घर का नक्शा प्रूफ करवा दे, मेरी बिल्डिंग अप्रूव करवा दे, मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिलवा दे, मेरे ट्रांसफर का एनओसी दिलवा दे, मैं 5 साल से फंसा हूँ। तो किसी मसीहा के इंतजार में थे, कोई बंदा ऐसा है जो हमारे मसले भी सुने? मसीहों को छोड़े इंसान के इंतजार में थे, पहले इंसान की तरह तो बात कर लू, क्योंकि इतने छोटे छोटे मसले थे। तो मैंने बैठ के सोचा कि ये क्या मसले बने, ये क्यों मसले, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब जब ढूंढना शुरू किया तो समझ ये आया कि आवे का आवा इससे बिगड़ा हुआ है कि देखिए आप एनडीए के एम्प्लॉइज को 10,000 रुपया कहते हैं वो बुरे, उनमें प्रॉब्लम, लेकिन जरूरी बात समझने वाली बात ये कि उनको ग्रूम करने वाले तो ऊपर सीनियर ही बैठे थे, उन्होंने कभी उनको ग्रूमिंग नहीं दी, उनको कैपेसिटी नहीं दी, उनकी कैपेसिटी को दबा दिया। एनडीए में अग्री करता हूँ बहुत से लोग गलत भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे भी हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको मौका ही नहीं दे रहे। आप उनको मौका देंगे तो वो काम करेंगे। देखिए आप उनको रास्ता नहीं दे रहे, आप उनको पॉलिसी नहीं दे रहे, और आप बोलते हो तुम खुद ही फैसला करो, तो जो खुद ही फैसला बेचारे करेंगे जो उनका काम नहीं है, तो खराबी आएगी। इदारा तब चलता है जब इदारे की पॉलिसी उसको डायरेक्शन देती है चलने। इस इदारे के बोर्ड ने कभी ये डायरेक्शंस दी, तो नीचे वाला बेचारा बंदा अब से चल पड़ा, उसका कोई फॉल्ट नहीं। मैंने इतने केसेस यहाँ देखे हैं जिन केसेस में एक्चुअली करप्शन का एलिमेंट नहीं निकला था, आप सरप्राइज हो गए। सब आए करप्शन 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 के एलिमेंट में पॉलिसी नहीं थी, अगला क्या फैसला करे। तो एनडीए वाले को भी बुरा भला बोल लो, बात होता है गलत साबित हो जाता है, क्योंकि उसकी गलती नहीं होती। और आप यकीन माने अगर मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मैं मेजोरिटी कह रहा हूँ, 90% ऑफ मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेरे पास अगर कंप्लेंट्स आई, मैंने बुला के डिटेल देखी, ठीक है ना, उसमें कंप्लेंट्स में ये बात साबित हो रही है कि ऑब्जेक्शन एनडीए वाले ने ठीक लगी, ठीक है, अगले ने जवाब देना था। तो अक्सर हम एज आवाम भी इंपेशेंट हो जाते हैं। तो देखिए ये बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है, गवर्नमेंट का काम है अपनी रेगुलेशन को पढ़े, लेकिन गवर्नमेंट जो है रियलिटी, जो आवाम के मुंतखब लोग आए उनने मुझको बिठाया है, मैं कोई जॉब पे नहीं हुआ, मैं से कोई सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं कोई पर्क्स नहीं ले रहा है, ये एजाजी एजाजी पोस्ट जवाबशी में पोस्ट ऑफ छोटे मोटे काम को मैं वो भी नहीं लेता, ठीक है, मेरे ऑफिस का खर्चा भी मेरे अपने पैसों से आता है, माय ओन पेट्री एक्सपेंस बुक वहां पे लोगों पैसे दिए, लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। अब ये लोग छोटी सी बात क्या बता रही है, क्योंकि अल्लाह ने इतना नवाजा, मैं ये बातें बताता रहेगा तो क्या रह जाएगा, बट इट्स समथिंग जो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठ के आके जो इनके साथ में आगे चला और बैठा और एलजी वालों की बात सुनी, उनके मसले सुने, मुझे समझ आया फुकुदान पॉलिसी पॉलिसी अच्छी बनेगी तो वो मोरिया बंद होगी, जो मैं करना चाहूँ मोरिया बंद होगी तो एनडीए की एफिशिएंसी और एफिकेसी बेहतर होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी और पूरा इदारा ग्रो करेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आते साथ एक विजन दिया लाहौर के लिए कि मुझे लाहौर हाई राइज पे जाता हुआ चाहिए, मुझे इसका फैलाव रोकना। जब हाई राइज पे जाने की बात हुई तो लोगों ने मुझे बोला कि लाहौर में तो कल्चर ही नहीं है, बिल्डिंग्स का कल्चर चेंज हमारे कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी में इज द टफेस्ट थिंग टू डू, ठीक है, और वो भी शेयर का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पूरी शेयर की बात है, नॉट एन इजी जॉब। लेकिन अच्छी चीज ये है कि खान साहब ने हमें ये मौका जरूर दिया कि हम तसल्ली से इस पे काम करें, ठीक है। हमने एनडीए में बैठ के एक कमेटी बना दी, ठीक है, कमेटी में हमने प्राइवेट सेक्टर के आर्किटेक्ट डाल दिए, प्राइवेट सेक्टर के प्लानर डाल दिए, प्राइवेट सेक्टर के एनवायरमेंटलिस्ट डाल दिए, अच्छा किया, ट्रैफिक पुलिस वाले भी डाल दिए, ठीक है जी, हमने अपने प्लानर भी डाल दिए, हमने बिल्डर भी डाल दी, और आप सब बैठ जाओ जो बना सकते हो बनाओ और बताओ ये बेहतरी कैसे होगी। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, पता चला जी लाहौर शहर में तो कोई भी बिल्डिंग अपार्टमेंट की बनानी हो तो 4 कनाल से कम प्लाट पे बनती नहीं, इजाजत ही नहीं, इजाजत नहीं देते, और 80 फीट से ऊपर की हाइट की इजाजत देते। 4 कनाल का प्लाट लेना एक बड़े स्टेट का ही काम है, एक आम आदमी को कहें नहीं पॉसिबल है। आपने तो सबसे पहले छोटे कारोबारी को ब्लॉक किया, कारोबार की अपॉर्चुनिटी बंद कर दी, ठीक है। इन लोगों ने प्रपोजल बनाया कि 10 मरले पे भी जान दें अपार्टमेंट की हाइट की रिस्ट्रिक्शन चेंज कर, अब इन्हें 10 मरले पे 48 फीट की दे दी, ओके, एक कनाल पे 90 फीट दे दिए जो पहले 4 कनाल 80 फीट थी, अच्छा, और 2 कनाल में ब्लॉक पे 160 फीट दे दी, इन्हें ये खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि जब हम आए थे उस वक्त लाहौर में हाई राइज बिल्डिंग एवरेज साल की 1 से 3 के बीच में बनती नहीं थी, ना होने की बना होने के बाद
पहले साल जब हमने शुरू किया काम यहाँ पे उस वक्त बनी तकरीबन 6 से 12 पिछले आ गई थी। इस वक्त अपूबल के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन 50 सुपर बिल्डिंग्स है, ठीक है, लाहौर, ठीक है, बल्कि इस वक्त और ज्यादा होंगी, मेरा नंबर पिछला इस वक्त और भी बढ़ गई मिशन। हाई राइज बन रही, रोड मैप्स आ रहे, लोगों को कारोबार समझ आ रहा है, लोगों को ये नीड समझ आ रही, ठीक है ना। आम बंदा जिसके व्यवसाय उतने ज्यादा नहीं थे वो अपने कारोबार को घूम करके अपने आप को बड़ा कर रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक नई बिजनेस जनरेशन ग्रो है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो पुराने सेठ ही सेठ रहे, नए लोगों को पैसा कमाने का मौका भी मिले। तो लाहौर राइट नाउ इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन ग्रोथ इन जनरल पाकिस्तान, पहले नहीं था। पॉलिसी पे हमने काम किया, हमने कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी है, लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। क्या कॉम्प्लिकेशन थी पॉलिसी में? कमर्शलाइजेशन होने के लिए पूरा प्रोसीजर था लेंथी किस्म का, जो यहाँ से होके निकल के हाउसिंग सेक्रेटरी के पास जाकर शुरू होता था। लेंथी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी और उसके बहुत टाइम लगता है, लोग यानी कि वो प्रोजेक्ट ही यानी कि वो बहुत टाइम एवरी मंथ। अब हमने पूरी पावर उठा के डीजीआईए को दी, उसकी डिटेल रूल्स बनवाए, कैबिनेट ने अप्रूव की, रेगुलेशन बनाए जो हमारी अथॉरिटी ने अप्रूव की, वही चीज जो पहले 3-3, 4-4 साल घूमती होती महीने के अंदर अप्रूवल हो रही है। वाह, ठीक है सर, इस पर मजीद बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात हमने की है कि पहले के और अब का फर्क क्या है। तो इस वक्त हम एक स्मार्ट सा ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मिलते हैं हम आपके शॉर्ट पे तक पहुंचे, ठीक है जी। हमारे जो एपी विंग है हमारा, उसका भी ये पोजीशन है। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है एलडीए के वाइस चेयरमैन एसएम इमरान साहब। इमरान साहब, आपके आने से पहले की बात करूं या अभी की बात करूं, एनडीए बड़ा कंट्रोवर्शियल अदारा समझा जाता था, समझा जाता है अभी, एक आम फैन इंसान की बात में कह रहा हूं, और एक मकबूल अदारा भी है, आपको पता है लाहौर के कम अदारों में से ऐसा है। लेकिन अंडर द सुपरविजन इमरान खान साहब और गुलजार साहब चीफ मिनिस्टर हमारा, और इमरान साहब का विजन के मुताबिक उन्होंने आपको बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि जो लीडर होता है उसका एक अपना विजन होता है, अपनी सोच होती है कि इस पर किसको मैंने किस जगह पर सेट करना है। माइट बी आप इसी जगह के लिए ज्यादा फिट समझे जा रहे हो। तो आप जब आए थे तब भी बहुत अच्छे की आवाज भी आ रही थी कि आपसे पहले जो थे साहब इस अदारे को चला रहे थे, उनके भी केसेस वगैरह सब कुछ आपके सामने है, तब भी वन विंडो भी था, सब कुछ था। उस वक्त के एनडीए में और आपके एनडीए में आज कहाँ पर हम थे? देखिए दो बातें, पहली बात तो ये कि मुझे यहाँ पे जब सीएम साहब और वो लेके खान साहब ने यहाँ पे मौका दिया यहाँ पे काम करने का, तो उन्होंने मुझे साथ ही फ्री हैंड दी, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप यकीन माने कि इस इदारे में कोई सीएम साहब मुदाखलत नहीं करते, कोई वो नहीं करते, उनको भरोसा है जो कर रहे हैं ठीक है, और एतराज होगा तो जिस दिन मुझे हटाया मैंने पहले ही बोला, ठीक है ना, वो प्यार करते हैं, उनका शफकत कहाँ है, और इदारा उनके अंदर एक्चुअली प्रॉस्पर करते हैं। देखिए एक लीडर होता है जो हर चीज़ को बड़ा कमांड करके चलता है कि मैं अपना नाम बनाऊँ, मैंने कमाल किया। अच्छा लीडर वो होता है जो ऊपर से चीजों पे कंट्रोल रखे और आगे लोगों को धक्का दे के अपना काम करो। ये सीएम साहब ये काम कर रहे हैं, तो प्लीज इस बात को भी हम समझे जरूर कि हम लोग बोलते हैं ना कि वो इनका सीएम, हमें आदत होती है वो पुराने सीएम साहब के स्टाइल, एवरीवन हैज देयर ओन लीडरशिप स्टाइल, वी नीड टू अप्रिशिएट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल जिसके अंदर जैसे परफॉर्मेंस है वो नजर आ रही है। एनडीए पहले क्या था आज क्या था? एनडीए पहले ये था कि आपने एक वन विंडो बना दी, बट वन विंडो पे क्या किसी का काम टाइम पे हो रहा था? आपको पता है कि वन विंडो का टाइम का जो डिस्पोजल रेट था वो क्या था? वो 5% से 18% के बीच में। अच्छा, मतलब आप वन विंडो गए जी जी, आपको एक एप्लीकेशन मिली, आपको कहा 20 दिन के बाद आ रहा है, 20 दिन के बाद आपको 8 से 18% मिलनी थी, वरना नहीं मिलती। हर बंदा सिफारिशें लेके आता, हमने उसको बेहतर करने के लिए काम शुरू किया, कानून में तो सर ये की बाकी बेहतरीन इस्लाह लाए, अपने लोगों में इस्लाह लाए। हमने जब अपनी यहाँ पे बेहतरी करनी शुरू की है, वही टीम, वही बंदे हमने नहीं बदले, वही लोग हैं। हमने उनको बताया कि तुम कॉम्पिटेंट हो, तुम अपने प्रॉब्लम बताओ, उन्होंने अपने प्रॉब्लम बताया, हमने उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस सॉल्व किया इंटरनल इदारे के लिए, ठीक है जी। आज जब आप वन विंडो पे जाते हैं, पहली बात तो ये कि अब आपका अगर पेपर वन विंडो का देखें उस पर क्यू आर कोड भी आता है, आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, पहले यहाँ चेकलिस्ट प्रॉपर्टी बनी होती है, चेकलिस्ट हमने उस पर छपवा दी, तो जो बंदा आपका कागज रिसीव करेगा वो वन विंडो की स्लिप पे लिखा होगा कि आपके यही कागज रिसीव कर लिए, ताकि कागजों की कंफ्यूजन ना कंफ्यूजन हो। हमने टाइमलाइन जिन से साइन करवा ली, अपने पूरे डिपार्टमेंट से आपका एतराज है तो बताओ, लेकिन लोगों को अपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। और अपने बोर्ड में अपने रखे सजा और जजा का कल्चर बिल्ड कर लिया, ओके। सजा और जजा का कल्चर ये है कि टाइमली डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है, पहले ऑब्जेक्शन को ही डिस्पोजल कहते हैं, मैं ऑब्जेक्शन को डिस्पोजल नहीं मानता, डिस्पोजल या अप्रूवल या रिजेक्शन,
और वो नंबर मतलब आप नक्शों की आपसे बात करूं अप्रूवल की नक्शे इस वक्त एलडीए में 100% कुछ डायरेक्टरी टाइप पे अप्रूव होने ठीक है ये पिछले 3-4 हफ्ते की आपको कार्रवाई है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं ठीक है जी हमारे जो एपी विंग है हमारा उसका भी ये पोजीशन है हमारे जो हाउसिंग का विंग है वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है एनओसी से बिल्कुल ठीक है जी मैं आपको फखर से एटलीस्ट ये बात बोल रहा हूँ एलडीए वालों के बारे में फखर करके जो बात बोल रहा हूँ कि आज से 4 हफ्ते पहले तक हमारी ओवरड्यू एप्लीकेशंस जो कि अपने टाइम से ऊपर थी और फंसी हुई थी वो 2,500 के करीब थी ठीक है जी आज वो ओवरड्यू एप्लीकेशंस सिर्फ 600 रह गई उनमें भी 500 प्लस एप्लीकेशनें कुछ ऐसी हैं जो एक्चुअली एलडीए से रिलेट नहीं कर रही ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसी इश्यूज हैं जिसके लिए आपको भेजना पड़ता है रेवेन्यू रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन के लिए तो वो सारी वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट फंसी ठीक एलडीए नहीं फंसी हम उनसे जाल खा रहे हैं उनके रिमाइंडर भेज रहे हैं तो एलडीए की टीम पे एटलीस्ट आई कैन से नाउ दैट दे हैव मेड मी समवॉट प्राउड बाय कम से कम डूइंग दिस मच टास्क ऑन टाइम और ये सिर्फ इन्हें 1.5 रिड्यूस नहीं की टाइम की एप्लीकेशंस अलग से इन्हें 2 डिस्पोज तो ये मैं आपको एक महीने का बता रहा हूं कि अगर काम करने पे आ जाए तो पाकिस्तान में सब काम कर सकते हैं तो उन्हें काम करना शुरू कर दिया मुझे इस बात की खुशी ठीक है ना मैं काम करने वाले की तारीफ करना चाहता हूँ लेकिन हम जब फैसला कर रहे हैं पूरे लाहौर की आवाम का इतना तो फर्ज बनता है ना यहाँ पहले मीटिंग क्या होती थी 15 मिनट की मीटिंग होती थी डिसीजन पहले डिसाइड होते थे बैठते थे हम अब पूरी मीटिंग्स करते हैं एक एक बार डिस्कस करते हैं बहस करते हैं और फैसलों पे आते हैं तो सर पहले से करप्शन का तो रेट नीचे आया है एनडीए में क्यों बिकॉज़ कि सब कुछ वैसे ही नजर आ रहा है ये सब कहने की हद तक बातें हैं मेरे ख्याल में ये वो चीज है जो अनफॉर्चुनेटली मीडिया पिक नहीं कर सका जरूरत है बताने की ना आपको क्लियर करने एनडीए में जो हम पहले आए ना तो एनडीए के इर्द गिर्द बिल्डिंग में टाउट्स का एक पूरा साइकिल बैठता था जी बिल्कुल आज जरा चक्कर लगा लीजिएगा आपको मिले तो मुझे भी बुला लीजिए अब थोड़ा एडवांस हो गया होगा ना सेल फोन के ऊपर तो पहले भी थे आपके सेल फोन तो पहले भी आपका नाम कौन सा आज बाबा आदम के जमाने से है फिर थोड़ा सा और जो एडवांस है ना क्यों नहीं नथिंग क्यों ना आपके सेल पास हो रही को 2.5 साल की बात हो रही ठीक है मैं 2.5 साल 2.5 साल कौन सा जाकर 50 साल रहे नहीं अब बाबा आदम के जमाने के बाद टेक्नोलॉजी तो क्या बनती सर व्हाट्सएप आप ये नहीं कि आपने उसको क्या किस तरह से कंट्रोल किया आपकी बिल्डिंग में एग्जांपल देता हूं मैं वॉक करता हुआ आ रहा एक मतलब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से ठीक छतावा तो रास्ते में देखा कि गली में लाइन से कुछ लोग पट्टे रख के और चीजें रख के बैठे अच्छा मैं किसी को भेजा नहीं बताओ ये कर क्या है इतना रश क्या किस चीज का लगा उसने कहा ये एलडीए के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स हैं तो आर्किटेक्ट का नक्शा इनकी रजिस्ट्रेशन थप्पे के बगैर जमा नहीं हो ओह माय गॉड क्या मतलब ये रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स देखा एलडीए ने रजिस्टर्ड किए हैं आर्किटेक्ट्स जिनके साथ रजिस्टर्ड बिल्कुल अच्छा जी पता लगा उनका क्या तरीकेकार है जी 5 मरले का घर है तो पता नहीं 500 रुपए का रेट है 10 मरले का घर है तो 1000 रुपए का रेट है बंदा बैठा था बूची की तरह थप्पे मारने के लिए पैसे लेता थप्पा मारता और उस आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करता मतलब ये कि शहर के या पाकिस्तान के या दुनिया के नामी ग्रामी आर्किटेक्ट अगर आ जाए जिनके नामों की दुनिया में मिसालें दी जाती हैं ठीक है ना उनको भी नक्शा इनके पास जाके तो पहुंचाना पड़ जाता है एक मुफ्ते और यही फिर आपके रेट और पहुंच जाते थे बिल्कुल ऐसी हमने पॉलिसी चेंज की आप पॉलिसी से पकड़ हमने पॉलिसी बना ली कोई भी पाकिस्तान का जो अदारा है जो उनको रेगुलेट करता है आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर को उसका नाम है पीकेट ठीक पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स ओके हमने एक सिंपल सा फैसला लिया कोई भी उसका सर्टिफाइड रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या टाउन प्लानर वो जमा कराता तो मान ठीक है प्रोफेशनल हमने तो उनको कुछ भी नहीं बोला ना उनको उठा के अंदर किया ना उनका एक्शन लिया हम लोग की दुकान बंद कर दी अब बैठना तो बैठ जाओ उनकी कोई सुनता ही नहीं था उठ के चले गए काम खत्म आपने दुकान बंद करवा दी आपने वो रास्ता बंद करना जहाँ प्रॉब्लम हमने एनडीए में कह दिया है कि नक्शा घर का 30 डेज में आप अप्रूव करते अगर आप 30 डेज में अप्रूव नहीं करते नक्शा
तो अगले को इजाजत है कि अपना घर बनाए, उसका घर कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आपकी तरफ से हमारी तरफ से इजाजत लॉ है ना, ठीक ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपके घर आने के बाद भी यानी कि वो बनाने के बाद अगर आर्किटेक्ट को पता है कि बिल्डिंग रेगुलेशन है ठीक है, अगर वो कोई वायलेशन करेंगे तो कंप्लीशन के वक्त हम आपसे गारंटी लेंगे, ओके, वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन एलडीए को भी हमने ये टारगेट दे दिया है कि अगर तुमने महीने से लेट किया, जैसे मैंने आपको टाइम का डिस्पोजल बताया, तो हम आपको सजा देंगे, सजा है, ठीक है, जजा भी है, सजा भी है, अगर वो टाइम पे कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी है, क्वार्टरली रिव्यू पे हमने उनकी बकायदा बोनस सैलरी रख दी है, ठीक है, नया काम कर इंसेंटिव से, इंसेंटिव दे दी, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस के बेंचमार्क से नीचे जाते हो तो सजा भी रख दी है, शो कॉज भी है, टर्मिनेशन भी है, एलडीए में बोल दिया गया है, ये इंप्लीमेंटेशन आपके ये महीना का अंदर स्टार्ट किया, जब से स्टार्ट किया उसके बाद परफॉर्मेंस ऊपर चली गई, अच्छा नीचे आने का चांस ही नहीं हो रहा, वो मौका ही नहीं दे रहे हैं कि ये भक्त बेटा। अच्छा मेरा सर, ये 5 महीने की हद तक तो समझ आ रहा है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा नेकी का काम भी किया है, लोग दुआएं भी कर रहे होंगे आपके लिए डेफिनेटली, लेकिन ये जो बड़े ये हाउसिंग सोसाइटीज के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिल्डर्स और डेवलपर्स मिले होते हैं और ये एलडीए के एक लेटर के ऊपर पूरे बिल्डिंग में मार्केट और बड़े बड़े एड्स और हाई राइज और आउटडोर मीडिया सारा कुछ, उसके बाद पता चलता है हकीकत में कुछ भी नहीं है उनके लिए, आप जो देखा जाए वो बड़े कोई लोग हैं जो करप्शन का मौजूद है उसके लिए क्या कर रहे हैं एलडीए बतौर ये वाइस चेयरमैन, हमने एक्शन अब तक क्या लिए हाउसिंग स्कीम का, हमने उसकी भी रूल हाउसिंग स्कीम की भी रूल तब्दील कर दी। हाउसिंग स्कीम के रूल में क्या होता था, आवाम को सबसे बड़ा चूना लगता था, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं एलडीए में पीपीपी कहते थे, पीपीपी प्रिलिमिनरी प्लानिंग परमिशन, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स में ना आपको माल बेचने की इजाजत है, ठीक है, ना आपको कंस्ट्रक्शन की इजाजत है, ओके, इस डॉक्यूमेंट से आपको सिर्फ एक इजाजत है कि हाँ आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। किताबों में पहले ये लिखा हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट 6 महीने मिलेंगे, मिलता था 2 से 2.5 साल के बाद जाके यहाँ पे, अच्छा ठीक है जी, अच्छा, और इसमें 3 बड़े मजे की चीज, नंबर 1 ना बेचने की इजाजत, ना कंस्ट्रक्शन की, ना कुछ और, तो इजाजत किस चीज की, ये बताने की कि मेरे मास्टर प्लान के हिसाब से इस जगह पे सोसाइटी बन सकती है कि नहीं बन सकती, बात ये मेरा मास्टर प्लान बना है तो ये बताने के लिए मुझे कोई प्रोसीजर चलाने की क्या जरूरत है, दुनिया जहां की एनओसी लेते थे, दुनिया जहां की 2.5-3 साल लगाते थे, आपने किसी की अगर इन्वेस्टमेंट कराई हो 2.5-3 साल लगवा दो उसके तो वो तो जो फ्रॉड आपको पता कर रहे थे, बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी मजे की बात, जमीन आपके पास नहीं आ सकती और कोई बंदा आके अपनी बैंक गारंटियां लेके देता है कि जमीन में ले लूंगा, तो आप समझे कि ये 100 एकड़ का पड़ा मैडम तो 1000 एकड़ का वो पीपीपी ले आता ले आता, ऐसे यार जमीन तुम्हारी है नहीं तो मैं ये से इजाजत किस चीज के लिए स्टार्ट हो गया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आपका ताल्लुक ही इस बात से, आप कहां पे आगे बढ़ रहे हो, तो इट डजंट मेक सेंस। हम आपको सिर्फ इतना बता देते हैं जो जमीन ले रहे हो ये ब्राउन है कि नहीं, जब अप्लाई करोगे तो अप्रूवल दे देंगे, बट हमने इसमें कानून बदल दिया, अब कानून क्या बदल दिया, कोई पीपीपी की जरूरत नहीं, ये टाइम पता है क्योंकि वो आवाम को तो नहीं पता पीपीपी का मतलब है क्या, एलडीए का डॉक्यूमेंट है वो कहता जी बल्ले बल्ले, जबकि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ पड़ता ही नहीं कोई डॉक्यूमेंट, हमने कहा तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं, हमने खत्म कर दी, ओके। पीपीपी के बाद एक और सेंक्शन था, लेकिन उस सेंक्शन के बाद भी माल बेचने की इजाजत नहीं थी और काम की इजाजत नहीं थी, तो भाई जब इजाजत दी तो एक और लेटर देने की जरूरत थी, एक ही बार अप्रूवल दो जिसमें काम अगला शुरू कर, तो हमने वो भी खत्म कर दी, ठीक है। अब एलडीए एक ही लेटर देता है, लेकिन उसकी कुछ शराय लेगा, 3-3 बार एनओसी ले जाएगा, रिश्वत देने नहीं जाएगा, ठीक है। लोग कहते हैं रिश्वत बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, हमने तो एनओसी का कंट्रोल भी, हमने तो एनओसी खत्म कर दिया, पहले आप 50 जगह से एनओसी लेके आते थे, अब आपको एनओसी लेने नहीं, और वो भी 3-3-4-4 बार लेते थे, अब आप 3-3-4-4 बार नहीं ले रहे, एक ही बार जो लाना होगी एक बार लाना, और बहुत से फजूल वाले ने खत्म कर दिए, ठीक, तो आप कैसे कैसे रिश्वत बढ़ गई, तो कम हो गई, ठीक है। नंबर 2, ये पहले होता था कि कोई भी पूरे शहर का जाके पीपीपी लेना चाहता तो ले लेता था, अब नहीं हो सकता, उसी को अप्रूवल मिलेगा जो अपनी जमीन की मलकियत लाके जमा करे, और अगर मलकियत 4 या 5 बंदों से ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको कंपनी बना के आना पड़ेगा, ठीक, ताकि वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी बन जाए जिसके अंदर शेयरहोल्डर्स की राइट के बेस पर कंट्रोल किया जाए, ये नहीं हो कि पता चले 500 मालिकान खुद बन के आगे के हम आगे, तो कॉपरेटिव बना, कॉपरेटिव करके बना, हमने वो भी शराय दी, तो हमने आवाम को सेफगार्ड करने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि इसी की वजह से तो फ्रॉड शुरू होता था, बेस हमने उसकी बुनियाद पकड़ ली, सोसाइटी वाले को प्रोटेक्ट नहीं किया, वो तो चिखियां मारी है उनको बैठ के, जो इलीगल सोसाइटी वाले थे ये तो चिखियां निकल गई, क्योंकि वो तो उस पीपीपी पे बहुत बड़ा फ्रॉड करते थे,
तो आप समझते हैं अभी स्टिल लाहौर में जितनी सोसाइटीज बन रही है तो सेफ एंड सिक्योर है। अगर एक मैं कंज्यूमर साइड से देखिए दो बातें समझ आप कभी भी कहीं प्लाट लेते हैं आप कभी भी कोई चीज लेते हैं मैं आपके पता नहीं कितने इंटरव्यू में क्या चुका हूं सोशल मीडिया में क्या चुका हूं क्या आप कोई कागज देखते हैं गवर्नमेंट के कूल गवर्नमेंट होती है कानून दिखाने के लिए कागज कानून का दिखाने के लिए आमतौर पर आप जमीन लेने जाते हैं तो आप गवर्नमेंट के पास क्यों रजिस्ट्री के लिए जाते हैं इंतकाल क्यों निकालते फर्द क्यों निकलवाते हैं सिक्योरिटी यहाँ पर आप फर्द देख रहे हैं ना कुछ और देख रहे हो ना एडी का अप्रूवल देख रहे हैं ना किसी डिपार्टमेंट का अप्रूवल देख रहे हैं आप चले गए एक्स वाई जेड सोसाइटी के पास उसने आपको एक कागज दिया कि मैं दे दूंगा आपने जाकर उसके एजेंट को पैसे पकड़ा दिए ना आपने कोई कागज देखे ना आपने कोई डिटेल देखी ना आपने एडी की वेबसाइट देखी ना आपने कहीं से अप्रूवल का सिस्टम देखा और आपने जाकर वो चीज ले ली और फिर आपने तो मेरे साथ जाती होगी किसी ने रोका अरे एक बंदा कुएं में जाके खड़ा हो जाए और वहां पास सोसाइटी वाला कोई नहीं है और वो कुछ काम मार दे कुएं के अंदर और आप कहते मैं मार रहा था तो किसी ने कभी जिस वक्त आप मार रहे थे आपने क्या पीछे पांच लोग खड़े किए थे कि मुझे रोक लेना क्योंकि नो वन नोस कि आपका कहां चला इट्स अ फ्री विल आपकी अपनी मर्जी से आप एक काम कर रहे हैं जाके दो लोग आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप और मैं आज बैठ गए फैसला कर ले हम दोनों में कोर्ट तब्दील कर लो तो हमारी आपसी मर्जी है कोई अपने बोल तो ही सकते हैं कि मैं कोर्ट अपना आपको नहीं दूंगा आपसे बिहार अब मुझे आपका कोर्ट लेने के बाद और आपको मेरा कोर्ट लेने के बाद अच्छा ना लगे और मैं ना करूँ तो गलती तो हमारी मेरा सब इसमें भी अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती हो जाती है तो एडी का डोर उसके लिए ओपन है सबसे पहला स्टेप मान एनडीए थी इससे काम मत करो भाई रुक जाओ ठीक है एनडीए उसके बाद उसके ऊपर लीगल नोटिस भेजती है वो स्टे ले लेता जाके कोर्टों से स्टे उठता है डिमोलिशन ऑपरेशन कर देते हैं जाके उसमें हम उस पर FIR काट देते हैं हम उस पर अपनी कार्रवाई को अग्रेसिव कर देते हैं एनडीए की लड़ाई सोसाइटी से ठीक है सोसाइटी के लोगों ने जो गलती की वाले में जैसे कि मैंने कहा दो लोगों ने जाती ट्रांजेक्शन की अब उस ट्रांजेक्शन का नतीजा जो है वो ये एंटी करप्शन निकालेगा ठीक है या FIA निकालेगा या पुलिस केस निकलेगा या सिविल कोर्ट में जाएगा या नैब में जाएगा और ये हो भी रहा वहां पे ठीक है हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये मसला बहुत दरिया और बहुत बड़ा हुआ है तो हम सोच रहे हैं अपनी प्लानिंग में कि इसको रिजॉल्व करें कैसे ठीक है एनडीए में एक बोनाफाइड कमीशन होती है ठीक है हमने उसको एक्टिवेट किया और अब हम प्लान कर रहे हैं कि सारे केसेस उनके पास भेजें तो ये आने वाले दिनों में ये जरूरी है अच्छा हो जाएगा हाँ उसके अंदर बेसिकली एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी अच्छा ये है कि जिनने ले लिया उनके लिए तो अच्छा हो गया कि आपने कोई ना कुछ उनका रास्ता बाहर निकाला पर कभी आपने ये सोचा है कि एक बंदे ने गलत काम किया और एक ने सही किया आप सही वाले को गलत वाले को इकट्ठे ना करना बेसिकली कहना होगा इमरान साहब उसमें पता क्या है हम भी बतौर अदारा या मीडिया हमारा भी फर्ज बनते हैं हम आपकी हेल्प करें फिर अच्छा काम करें हम भी ऐसे लोगों की निशानदेही करते रहेंगे आपके साथ कि जो इस तरह की स्कीम्स वगैरह अनाउंस करके मार्केटिंग कंपनीज को हायर करके इस तरह के फ्रॉड्स कर रहे हैं देखा जाए फ्रॉड भी है बहुत बड़े लेवल का जी नाज़रीन हमारे साथ है एस एम इमरान साहब वाइस चेयरमैन एनडीए इस देते हैं स्मार्ट सर्वे का प्लानिंग का आप दिन मेरे ख्याल में निकाल ले तो आप 10 साल की बैड प्लानिंग को फ्यूचर को बचा लेंगे प्लानिंग की ये सेंस आवाम जो ज्यादातर हमारी वहां पे है हम ना किसी के गांव तबाह कर रहे हैं ना इंडस्ट्रियल स्टेट्स तबाह कर रहे हैं इश्यू सिर्फ इतना रह गया है आपके जी वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में एस एम इमरान साहब के साथ सर रावी वाला प्रोजेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौर के गेम चेंजर कह सकते हैं हम जैसे सी पैक है तो आप इसको कैसे देखते हैं वहाँ पे लोगों पे तराजात भी बहुत पिछले दिनों स्ट्राइक्स वगैरह थे लोग रोड्स पर भी आ गए थे कि ज़मीनें हमसे पूछे बगैर रेट्स नहीं मिल रही ये सारे इस तरह के इशू है सर पहली बात तो लाहौर के लिए पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बिल्कुल क्लियर लाहौर के लिए पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर ओके दरियाए रावी पाकिस्तान में 340 किलोमीटर दरिया चलता है बिल्कुल ठीक है जी ये जहाँ पे बनाया जा रहा है बराज जिस तरह से पानी को रिस्टोर करने की बात की जा रही है 340 किलोमीटर के इर्द गिर्द की जरिए जमीन और आबादी को प्रोटेक्ट करने से तो इसकी अहमियत बहुत बड़ी
आने वाले वक्तों में मेरा मानना है, मेरा बिलीफ है, बल्कि बिलीफ क्या, मेरे काम में एक आम नजर लोगों को नहीं आ रहा, सिर्फ नजर देखने की बात रहेगी, ठीक है ना। जल पानी की, इंसान पानी के बारे में नहीं है, ठीक है, तो हमें तो पानी चाहिए और पानी ही हम तबाह कर रहे हैं। और पानी नहीं तो लोग जो जरई जमीनों की बात करते हैं, जरिए जमीन भी ना बहुत ज्यादा पानी के बगैर कोई बंदा, मुझे तो नहीं पता कि अपनी जरिए जमीन में काश नहीं पॉसिबल है, कोई करते ज्यादा तो बड़ी मेहरबानी उसकी, बड़ा तो फिर रेल हमारी क्या बात होती रेगिस्तान की बात। तो मेरा कहने का मकसद ये कि पहले तो इस प्रोजेक्ट को समझे, इस प्रोजेक्ट की अहमियत एनवायरमेंट पानी है, इस पे दरक लगाए जा रहे हैं 70 लाख दरक तो नजर लगा रहे हैं, और जो आपकी बिल्डिंगें बन रही है उनके रेगुलेशन के तैयार किए जा रहे हैं, जैसे एनडीए में ऑलरेडी कर दिया हुआ है कि एनडीए की हर हाई राइज बिल्डिंग की छत पे कंपल्सरी के रूफ टॉप गार्डनिंग हो या सोलर पैनल हो, ठीक है, उधर भी ये कंपल्सरी। अच्छा, तो आप जब ये करेंगे तो आप दरख्तों की तादाद कुछ कम होने जा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये बातें जरा क्लैरिटी में पता होनी चाहिए, बिल्कुल। अब आज ये बात के लोगों के वहां पे एहतजाज, देखिए जिसकी भी जमीन ली जाए या लेने का तरीका होगा वो बड़े तरीके का, लैंड जमीन का लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत वो एक्वायर करती है लैंड जमीन, इस वक्त जमीन वहाँ पे अक्वायर गवर्नमेंट कर रही है, कुछ कर ली है, ठीक है ना। तो जो बंदा अपना एहतजाज करना है, मैं एहतजाज को इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानता हूँ, वो कोई गलत काम नहीं करे, ये खान साहब ने सिखाया ये बात पहले दिन से, उन्होंने कहा जिसका राइट है उसको करने उसको रोक क्यों रहे हैं, करेगा तो अपना एहतजाज कर रहे हैं, उनका एतराज है रेट से, अंडरस्टैंडेबल उनके रेट के एतराज जो उन्होंने हमसे बैठ के मीटिंग्स की, मैं बैठा हूं उनके साथ हमने बैठ के मीटिंग्स की, ठीक है। तो हम ये वर्किंग भी कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से उनकी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम वो भी कुछ काम करेंगे। इलाके के जो हमारे पीटीआई के एमपीएस हैं उनने भी अप्रोच किया, उन्होंने भी नाराजगी का इजहार बहुत ज्यादा किया कि आप ये कर रहे हैं हमारे साथ बैठ नहीं रहे फलाना, तो हम उनके साथ भी बैठा जा रहे हैं और ये बात अब की जा रही है कि वो बेहतरी कैसे कर रही है, तो वो हमें पता है वो पाकिस्तानी है, कोई गैर पाकिस्तानी उनका एहतजाज भी जायज, उनकी नाराजगी भी जायज और उनकी आवाज पहुंचाना भी जायज, और गवर्नमेंट का काम उनकी आवाज सुनके उनके बारे में सोचे और गवर्नमेंट सोच सकता। तो मैं सब वो जो प्रोजेक्ट है वो इराबी वाला, वो बनने के बाद आप क्या लगता है कि क्या हो, क्या होगा, क्या नक्शा होगा, किस तरह से वो? देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि हमने लोन्स की तरफ नहीं जाना, ठीक है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, अगर आप लोन्स की तरफ चले जाए तो ये पैसे आप जनरेट नहीं कर सकेंगे और आपके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें बननी है रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है, बराजेस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने हैं, ठीक है ना, ब्रिजेस की वाइंडिंग होनी है, फिर इर्द गिर्द की डेवलपमेंट सीधी होगी। अब इन सब कामों को करने के दो तरीके का, लोन लेके कर, ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा आपके पास तो पैसे इतने हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाए कि जो पैसा जनरेट हो उस पर लगता है और ये काम भी साथ साथ, ठीक है, तो इसका बिजनेस मॉडल है, ठीक है जी, उसके तहत उसको चलाने की बात होगी। इस बजट मॉडल के तहत कुछ 10 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां मिली, ओके, ठीक है ना। शहर के पानी के मसले हल होने, ट्रीटमेंट प्लांट्स के तहत 836 क्यूसेक पानी डाला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ठीक है जी। वो पानी जो इस शहर की नीड में 5 मिलियन लीटर यूज करते हैं 2.5 मिलियन लीटर को रिचार्ज करेगा शहर के लिए, तो शहर के यूज में भी आएगा। शहर का गंदगी या पानी कराची का आपने हाल ही देख ली, सैलाब क्या था वहाँ इस बार, बड़े बड़े घरों में हालात है, बड़े पॉश इलाके में लोग समझते रहते हैं, घरों के अंदर सैलाब के रिले थे उनके, तो ये चीज आपकी वहां फिर होने वाली है, ये हमारे साथ भी हो जाएगी। हमने अगर प्लांट्स की प्लानिंग नहीं की तो प्रॉब्लम आएगी। एक अच्छी प्लानिंग का आप दिन मेरे ख्याल में अगर निकाल लेना तो आप 10 साल की बैड प्लानिंग को फ्यूचर को बचा लेंगे। प्लानिंग की ये सेंस, आवाम जो ज्यादातर हमारी वहां पे है, हम ना किसी के गांव तबाह कर रहे हैं ना इंडस्ट्रियल स्टेट्स तबाह कर रहे हैं। इश्यू सिर्फ इतना रह गया है कि जो वहां जमीन ली जा रही है उस पर लोग एतराज हमें रेट कर दिए, ठीक है जी, उनका मेरे दिल के करीब, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन, उनकी मैंने बात सुन ली, उनके दिल के करीब, हुकूमत तो उनकी बात पहुंचा दी, हुकूमत ने भी उनकी बात सुन ली और हुकूमत ने भी ये कहा है कि देखो इनके लिए बेहतरी क्या कर सकते हैं, तो डिपार्टमेंट जो ढूंढा का है वो उस पर काम कर रहा है, ये बात पता। अब उसमें सियासी पहलू डाले जा रहे हैं, मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि वो सियासी तौर पर सब छलांगे मार के बीच में आ रहे हैं, वो कुछ लोग हैं जो अपने सियासी उलू सीधे कर रहे हैं, ये तो बचकाना बात है। और जो मजे की बात है, जो सियासी उलू सीधे करने आ रहे हैं तो 2014 में तो वो खुद ये करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे, तब तो उनके हिसाब से प्रोजेक्ट सुपर प्रोजेक्ट था, लेकिन आज वो बुरा हो गया। वो उस वक्त बनाना चाह रहे थे एक सोसाइटी के पॉइंट से, क्योंकि एक बंदे ने ख्वाब देखा मैं रिवर फ्रंट बनाऊंगा खूबसूरत सा। आज हुकूमत कह रही है रिवर फ्रंट की खूबसूरती को छोड़ो, पानी के मसले की बात करो, मेन जो मतलब मकसद समझो कि मेन मकसद क्या है। तो उन लोगों को पानी का मसला नहीं कर रहा, लेकिन एक साहब का ख्वाब था कि मैं चलता हो जाऊंगा तो मेरे रिवर फ्रंट हो, वो पूरा करने को तैयार।
आप पर भी तो सियासी असंतोष और सियासी दबाव भी होगा पास दफा, क्योंकि ये जॉब भी ऐसी है फ्रॉम हु, यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे रावी वाला भी है, आप पर भी बहुत सारे लोगों को प्रेशर तो आता होगा कुछ काम के सिलसिले में, ये काम करवाना है या नहीं करना, तो आप उसको फिर कैसे हैंडल कर लेते हैं? पहली बात ये कि इस हुकूमत ने, जिसके मैंने पहले कहा खान साहब उस्मान मुर्तजा साहब दोनों, कभी भी कहीं पर भी उनने मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाला, ठीक है, और उनने मुझे बिल्कुल क्लियर फ्री हैंड दिया कि आप इंश्योर करें कि हर चीज ट्रांसपेरेंसी तरीके से चले। प्रेशर तो छोड़ो, मेरे ख्याल में मुझे आज तक कभी उन्होंने फोन तक नहीं किया उसने या बोला होगा कि आई नो मुझे वो क्लियर है कि वो नहीं कर सकते, तो जब उनका नहीं है तो किसी और का गलत प्रेशर क्या है? जायज काम के लिए मेरे दरवाजे खुले, मुझसे लोगों की एक मेरी रिक्वेस्ट होती है, मेरे ऑफिस में मेरे पीए से टाइम लेके आता, जिसको वो टाइम नहीं देता वो लिस्ट बनाता और साथ साथ बुलाता रहता, तो लिस्ट लंबी होती है, लोग आते रहते आते रहते आते रहते, वे दरवाजे खुले ताकि जो है मैं उसका काम सुनूं और काम हो जाए, ठीक, वरना होता क्या है कि वो सियासी तौर पे लोग चाय पे चाय पिला दोगे, मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं, मसले हल करवाने मेरे पास आए मैं करूँगा, मैं जान मांगूंगा, दो नंबर काम मैं किसी का नहीं करता, मैं बिल्कुल ब्लड टू सूट, ये बात सबको पता है, ठीक है, एनडीए के रूल्स मैंने अच्छी तरह समझ लिए, पढ़ लिया ढाई साल में समझ लिया, कि मुझे अब एनडीए का बंदा कमरे में नहीं बुला, एनडीए को आप ज्यादा समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, इसको बिठाने का रूल टॉपिक में बहस कर सकता हूँ, मुझे पता होता है ये काम जायज है कि ना जायज, वैसे भी थोड़ी अक्ल अल्लाह ताला ने दी है उसको इस्तेमाल कर ले तो हमें जरूरत ही नहीं कंफ्यूजन, बल्कि मिलने से पहले पता चल जाता होगा आपको क्या जायज है या नहीं जायज, पांच मिनट लगते हैं भी उसका सलूशन पता होता है, तो अल्लाह के करम से यहाँ ने मेहनत की अपनी चीजों को समझा, अल्लाह इज्जत रख ले, अल्लाह जितने मुकाम पर पहुंचाएगा अल्लाह ताला ही पहुंचाता है, और मेरी बस दुआ है कि किसी तरीके से ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट अपने इख्तिताम पे सही से पहुंचे, ठीक है, और ये हुकूमत और खान साहब उसका उस्मान मुर्तजा साहब के हम हाथ मजबूत करें और इस चीज़ को आगे लेके चले। गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इमरान साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके विजन का और इमरान साहब विजनरी का, क्योंकि उस तरह की क़ियादत के साथ आप काम कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह के इसके रिजल्ट आने स्टार्ट हो गई हैं, मुझे खुशी है। आप आज हमारे गेस्ट थे और उन्होंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भी भेजा है, आप हमारी गेस्ट कंपनी जो है मॉडल स्टील, वो पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है, स्टील कंपनी है, उन्होंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप फाबो से तबीर तक के इस सफर में शाहिद मियां के साथ आप गेस्ट थे। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार, एक मशवरा तो दो, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदो? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो, इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।